जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में छात्रों के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबर दान न्यूज। 6 अप्रैल को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र संघ के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। सुबह तकरीबन 10:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदर्शन चलता ही रहा, जिसमें कुछ अधिकारी आए और मात्र आश्वासन देकर चले गए। छात्रों की मांगों में कोई भी सुनवाई नहीं की गई, जिससे छात्र और भी ज्यादा आक्रोशित हो गए और छात्रों ने उग्र आंदोलन और पुतला दहन करने की चेतावनी भी दी। छात्रों की मांग थी कि विभाग को ICR से मान्यता दिलवाई जाए और एग्रीकल्चर विभाग में पूर्ण रूप से सुविधाएं प्रदान की जाए, जैसे किताबें, लैब, भूमि। यह सब व्यवस्था न होने की वजह से छात्रों को फैल का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए एग्रीकल्चर विभाग के ज्यादातर छात्रों को पासिंग मार्क अंक देकर पास किया जाए, क्योंकि एडमिशन के समय CBSE बताकर non-CBSE का पेपर दिला दिया गया और छात्रवासों में मेस की भी सुविधा प्रदान की जाए। जब हमें एक ही पॉइंट करना चाहिए, जब हमें 10 दिन सर के द्वारा कागज में लिख के दिया गया, वो कागज आज 22 दिन हो गया, उस कागज में 22 दिन गुजरा, अभी तक ये क्यों नहीं आया कि हम आपके लक्ष्य आ गया ना? रिटर्न नहीं आया, नहीं आया, जब जारी नहीं होता तब तक नहीं माना जाता। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबर दान न्यूज। Hot day.